इस वक्त मौजूद हूँ आइडियाज 2024 में। JF-17 थंडर है, उसने ऑपरेशन स्विफ्ट रेडॉट में जो किरदार अदा किया है उसके बाद इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। अभिनंदन हमारे JF-17 थंडर का डायरेक्टर मार्केटिंग भी है। इसके अंदर जो है एयर टू एयर मिसाइल भी है, एयर टू सर्फिस मिसाइल भी है, सबमरीन को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। वो अहदाफ भी जो के पायलट को आंख से नजर नहीं आ रहे होते उनको भी ये मार कर सकता है। JF-17 थंडर स्टार ऑफ द शो बना हुआ है। चार ममालिक की खरीदारी के बाद मजीद कुछ 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तैयारे की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइडियाज 2024 में, जो कि पाकिस्तान की दिफाई नुमाइश है। इस साल सदी के आगाज में पाकिस्तान ने अपना जो 90 की दहाई में असलहा और साजो सामान दिफाई तैयार करने का सिलसिला शुरू किया था और उसको डिस्प्ले करने का आगाज़ जो है इस सदी के आगाज़ में हुआ और अब तक 12 दफ़ा ये नुमाइश मुनक़द हो चुकी है, 12वीं ये नुमाइश है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दिफाई सनत के जो मकामी पैदावार है उसका प्राइड JF-17 थंडर पे। JF-17 थंडर तैयारा जो है पाकिस्तान की जो मुसल्ला अफवाज हैं, खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से अगर हम देखें, जो अभी लास्ट हमारा मार्का हुआ है ऑपरेशन स्विफ्ट रेडॉट, उसमें जहां दीगर तैयारों ने हिस्सा लिया है वहां पे कलीदी किरदार जो है JF-17 थंडर ने अदा किया है। इसके अभी तक 3 वर्जन आ चुके हैं। जो JF-17 थंडर है उसने ऑपरेशन स्विफ्ट रेडॉट में जो किरदार अदा किया है उसके बाद इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि भारतीय जो पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था पाकिस्तान के हाथों, ये भी कहा जाता है कि उसके तैयार मार गिराने में JF-17 थंडर का कलीदी किरदार था। तो इस हवाले से उनको कहते हैं कि अभिनंदन हमारे JF-17 थंडर का डायरेक्टर मार्केटिंग भी है। वो उस मार्के के बाद JF-17 थंडर के फजाई ऑपरेशन और फजाई जंग में अपने आप का लोहा मनवा लिया है। इस वजह से अब इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अभी तक 4 मुल्कों ने ये जो JF-17 थंडर तैयारा है ये हासिल किया है। इसके बाद अभी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो इस तैयारे को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से जो गैर मुल्की डेलीगेट्स हैं वो आ रहे हैं इस तैयारे के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं, इसके कॉकपिट में बैठ के वो जो इसके एवोनिक्स हैं, इसके बाकी जो सिस्टम्स हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। JF-17 थंडर के साथ जो है पूरा एक वेपन सिस्टम भी मौजूद है जिसमें इसके अंदर एक गन लगी हुई है जिससे वो एयर टू एयर बैटल में या एयर टू सरफेस जो है अपने टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं, छोटे टारगेट्स को। अगर बड़े टारगेट्स को उसको निशाना बनाना हो तो इसके अंदर जो है एयर टू एयर मिसाइल भी हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल भी हैं, एयर टू सी मिसाइल भी हैं। इसके अलावा ये सबमरीन को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है, यानी कि एयर टू अंडर वाटर भी अपने टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसका जो सबसे अहम मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम में हिस्सा है वो है इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी इसका रेडार इतना ज़बरदस्त है और इसका जो पूरा सिस्टम है इतना ज़बरदस्त है कि वो अहदाफ भी जो कि पायलट को आंख से नज़र नहीं आ रहे होते, BVR कहलाते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, उनको भी ये मार कर सकता है और उनके ज़रिए भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। और ऑपरेशन स्विफ्ट रेडॉट में पाकिस्तान ने कहा जाता है कि ये मिसाइल भी इस्तेमाल किया था JF-17 थंडर के ज़रिए। तो JF-17 थंडर यार इस वक्त जो है स्टार ऑफ द शो बना हुआ है आइडियाज़ 2024 का और उम्मीद ये की जा रही है कि 4 ममालिक की खरीदारी के बाद मजीद कुछ 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस तैयारे की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है और आने वाले दिनों में और कुछ महीनों में हम ये देखेंगे कि मजीद ममालिक भी JF-17 थंडर की खरीदारी करते हुए हमें नज़र आएंगे। और ये तैयारा जो है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का भी बड़ा एक मज़हर है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरक तौर पे इस तैयारे को स्क्रैच से डिज़ाइन किया है और ये जो तैयारा है इसकी तमाम एवियोनिक्स, इसकी बॉडी, इसका फ्यूजलाज और इसके तमाम जो वेपन सिस्टम है पाकिस्तान और चीन ने मिलकर डिज़ाइन किए हैं। इसके अब जो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं JF-17 थंडर के, वो पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री है कामरा में उसमें तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर इसके मुख्तलिफ पाकिस्तान में पार्ट्स तैयार किए जाते हैं जिनको पाकिस्तान ने ना सिर्फ जिनको तैयार फरोख्त किया है उसके साथ उन्होंने इसकी मेंटेनेंस
और इसकी जो पार्ट्स की डिलीवरी है उसको भी यकीनी बनाने की कोशिश की है। तो जेफ 17 थंडर आज जो है जो आइडियाज में आए हुए 53 मुल्कों के वफूद हैं, उनमें तो तकरीबन हर मुल्क का वफ जो है जेफ 17 थंडर पे विजिट करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा, इस इक्विपमेंट को देखेगा और इसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट जो अपने मुल्क में देगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तैयारा जो है पाकिस्तान का प्राइड होगा और मुख्तलिफ मुल्कों की जो एयर फोर्सेस हैं वो इस तैयारे को फ़ख्र के तौर पर इस्तेमाल करेंगी और इस तैयारे को अपने सिस्टम में और अपनी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी और इसमें जो हिफाजत के लिए वो इस तैयारे पर इन्हिसार करेंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बिस्तर ममालिक में अब ये पाकिस्तानी में तैयार करता तैयारा जो मुल्कों की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करता नज़र आएगा।